नमस्कार साथियों, मैं रिंकू मिश्रा आप लोगों के समक्ष जो 2011 वाले हमारे अग्रज भाइयों ने डाइट पीटीसी और 2011 की वरीयता के केस किए हैं उसके संदर्भ में जो हमारे साथी उसमें इंटरवेन करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे दूँ। साथियों, मैंने 2011 वाले जो याचिका करता है 312 लोग उनमें से तीन लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और जब भी 2011 की वरीयता की बात होती थी, जब भी डाइट पीटीसी की वरीयता की बात होती थी तो मैं उनको चेतावनी दे देता था कि मैंने ऐसा एनसीटी से और मानव संसाधन मंत्रालय से पूछा था और उनका जवाब ये आया हुआ है, ये काम आप लोग मत कीजिएगा, कहीं ये आप लोगों के ऊपर में आत्मघाती साबित ना हो जाए। परंतु उन्होंने चुपके से वो केस किया और केस करने के बाद में हमारे किसी साथी के द्वारा कहीं से उस केस की जानकारी हम लोगों को मिली तो फिर मैंने फेसबुक पर जो है वो पत्र शेयर करना शुरू किया जो कि मुझे मानव संसाधन मंत्रालय और एनसीटी से मिला। साथियों, उसके बाद भी हमारे उन मूर्धन्य कालिदास भाइयों की प्रतिक्रियाएं आप लोग उसमें देख सकते हैं कि कितने सकारात्मक और नकारात्मक है। साथियों, उसके बाद में तरह तरह का भ्रम पैदा फैलाना शुरू कर दिया गया। पहले ये भ्रम फैलाया गया कि ये केवल और केवल डीएड वालों के ऊपर में ही प्रभाव डालेगा, बीएड वालों के ऊपर में प्रभाव नहीं डालेगा। उसके बाद में भ्रम ये फैलाया गया कि ये केवल केवल 6 to 8 के लिए है और 1 to 5 पे इसका कोई असर नहीं है। फिर तीसरा भ्रम ये फैलाया गया कि ये समायोजन की के लिए है, इसमें वरीयता की कहीं कोई बात नहीं है। उनके द्वारा एक पेज भी शेयर किया गया, केवल एक पेज, पूरी याचिका की कॉपी नहीं, केवल एक पेज। उस एक पेज को भी अगर आप एक एक अक्षर पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ कि ये याचिकाकर्ता जो है डाइट पीटीसी से ट्रेनिंग किए हुए हैं, 2011 टीईटी पास हैं, वहाँ पे मार्क्स वेसेज पे इनका ट्रेनिंग करवाया गया और ट्रेनिंग करवाने के बाद में आज तक ये अनएम्प्लॉय हैं और वर्तमान में जो बहाली की प्रक्रिया शुरू हो रही है इसमें 2 साल का इनको एक्सटेंड करके मौका दिया गया और जो वैकेंट पोजीशन है पहले उस पर इनको लिया जाए और जो बची सीट हो उस पर दूसरों की हो। लास्ट लाइन में आप जाएंगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी। तो साथियों, इसको अगर आप पढ़ेंगे उस एक पेज को भी तो भी इनकी जो सहृदयता 2017 बीटेट वालों के लिए, सीटेट वालों के लिए जो है, सीटेट यदि कोई 2017 से पहले भी पास है और वो इसके अंदर अप्लाई कर रहा तो उसके भी अधिकार प्रभावित होंगे। बीटेट से कोई 6 to 8 पास है, चाहे 1 to 5 पास है, उसके भी अधिकार प्रभावित होंगे। सीटेट कोई जुलाई 2019 है, उससे पहले का सीटेट है, उसके भी अधिकार प्रभावित होंगे। क्यों प्रभावित होंगे? क्योंकि जब वैकेंट सीट के अंदर सबसे पहले यही लोग आ जाएंगे और इनकी संख्या कोई 312 ही नहीं है, इनकी संख्या 10-12 हज़ार है, उससे भी ज़्यादा है। आप अपने आस पड़ोस में मालूम कर सकते हैं, किसी नियोजन इकाई के अंदर फार्म में जाके देख सकते हैं यदि आप लोगों की वहाँ पे पहुँच है कि 2011 वाले कितने अप्लाई किए हैं। सोशल साइंस की तो सीटें ख़त्म हो जाएगी क्योंकि 2100 तो सीट है टोटल। और साथियों, 1 to 5 में भी प्रभावित होगा। अगर कोई साथी 70% एक सीट है वहाँ पे किसी नियोजन इकाई में, 70% से कोई हमारा साथी बीटेट 2017 या सीटेट 70% के साथ पहले नंबर पर है और वहाँ पर यदि कोई 2011 वाला 50% वाला अप्लाई किया हुआ है और एक ही सीट है तो वो सीट वो खा जाएगा, फिर हम लोगों की नौकरी कहाँ होगी? आप खुद ही सोच सकते हैं। फिर एक तर्क इनके द्वारा और दिया जा रहा है कि ये तो केवल 312 लोग ही हैं, 312 सीट पे ही जाएंगे। तो साथियों, एनआईएस वाले भी लगभग 300-350 ही थे पार्टी में, परंतु जब आवेदन हुआ तो आवेदन में आपने देखा पूरे कितने लोग आ गए। ठीक इसी तरह 312 लोग हैं परंतु कितने आएंगे ये पता नहीं है। इसलिए
और एक बात और कहा जा रहा है कि रिंकू मिश्रा केस करने जा रहा है 2011 वाले पे। भाई रिंकू मिश्रा के पास तो फरवरी में ही एनसीटी का वो मानव संसाधन मंत्रालय का लेटर आ गया था, उससे पहले भी जवाब आ गए थे। रिंकू मिश्रा तो केस करने नहीं गया। केस तो आप लोगों ने किया है, उसके अंदर हम लोग इंटरवेनर बनने जा रहे हैं। आप अपने अधिकार के लिए वरीयता मांगने जा रहे हैं। आपको लगता है कि आपका अधिकार है वरीयता, आपको पहले नौकरी मिले, ये आपका अधिकार है, तो आप उस अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और हम लोग जो बीटेट 2017 पास हैं, जो सीटेट हैं, क्या वो अपने अधिकार के लिए इसमें इंटरवेन ना करें? भाई आप अपने अधिकार के लिए कुछ भी करें वो जायज़ है, और बीटेट 2017 वाले सीटेट वाले जो है अपने अधिकार के लिए इसमें इंटरवेनर भी नहीं बन सकते, कहाँ की न्याय की बात है? आप लोगों ने केस कर ही दिया है तो हम लोग इसमें इंटरवेनर जो साथी बनने के लिए आ रहे हैं, जयकांत, सुनील यादव जी, ये सब, उनका हम लोग सहयोग करेंगे। सारे कागजात जो है वो मैं उनको दे रहा हूँ और वो लोग इंटरवेन कर रहे हैं। और मैं सभी साथियों से जो 2017 बीटेट पास हैं, जो सीटेट पास हैं, कभी भी हो, वो लोग इसमें इनका अधिक से अधिक सहयोग करें, ताकि जो है हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ें। और एनसीटी और मानव संसाधन मंत्रालय दोनों ने ये कह दिया है कि बिहार सरकार को हमने अनुमति नहीं दी है, और बिहार सरकार ने भी, आपने देखा होगा उस विज्ञापन में लिखा है कि हमने समुचित प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर ली है। बिहार सरकार ने कोई अनुमति प्राप्त नहीं की, और आरटीई एक्ट के अंदर जो है वैधता बढ़ाने की पावर बिहार सरकार को है ही नहीं, तो ये इनका आत्मघाती कदम साबित होगा। 2017 की का जो सर्टिफिकेट है इनका 100% कोर्ट से अवैध साबित होगा, और अवैध हो वैध हो ये अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। इनको लगता है कि वरीयता इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो वो उसके लिए लड़े, और हम लोग अपने अधिकार के लिए जो है इनकी वरीयता के खिलाफ जाएंगे, और हम लोग अपने अधिकार के लिए इनकी सर्टिफिकेट को रद्द करवाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बिहार।